Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा PUBG मोबाइल की टॉप 5 ब्रांड न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। भाई हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स की पोस्टमार्टम निकालने वाला हूँ आज मैं, तो भाई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली ट्रिक हमारी काम कर रही है स्क्वेयर हाउस में, ठीक है। तो यहाँ पर भाई एक इतना अच्छा सीक्रेट रूम है ना कि वहाँ पर जाने के बाद भाई ना तो कोई आपको वहाँ पर नॉक कर पाएगा और ना ही कोई फिनिश कर पाएगा। तो दोस्तों वहाँ पर जाने के लिए आपको एक गेट खोलना है और यहाँ पर आपको आइस वॉल लगानी है, ठीक है। आइस वॉल जब आप लगाओगे एक दो बार लगाना नहीं लगेगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे से भी नहीं लगी थी। दोस्तों एक दो बार ट्राई करना, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर आइस वॉल लगाओगे, जैसे ही आइस वॉल वाला बटन आप दबाओगे और जैसे ही छोड़ोगे, आपको अपनी जॉयस्टिक को लेफ्ट साइड ले जाना है। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप सीक्रेट रूम के अंदर आ जाओगे। और दोस्तों आपको ये सीक्रेट रूम कैसा लगा भाई कमेंट में ज़रूर बताना, आपको ट्रिक कैसा लगी। और अगर आप भाई ये वाली ट्रिक अगर आप फॉलो करते हो, बार बार करते हो, तो भाई स्पेशल मैं खुद से रेकमेंड करता हूँ यहाँ पे आप FPP स्विच करना, जैसे अभी मैंने करी है। तो दोस्तों FPP स्विच जब आप यहाँ से करोगे तो भाई बहुत ही अच्छा आपको यहाँ से एंगल मिलेगा, और एंगल मिलने से तो भाई आप बाहर के बंदे को तो आराम से भाई टेक डाउन तो कर ही सकते हो और अंदर के भी एनिमी को मार सकते हो। और बाय चांस अगर बाहर से कोई एनिमी अंदर आ जाता है तब तक तो भाई आप उसका कीमा बना चुके होंगे, ठीक है। तो एनिमी खुद भी सोचने लग जाएगा ये यार इस बंदे ने मेरे को मारा तो मारा कहाँ से। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना आपको ट्रिक कैसे लगी। और दोस्तों अगर ये आपको ट्रिक अच्छी लग रही है ना तो भाई इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों देखिए जैसे मैं अब अंदर ही रहते रहते बाहर तक कितनी दूर तक मैं शूट कर सकता हूँ, तो दोस्तों इस ट्रिक की मदद से आप ये भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बताता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट ट्रिक। दोस्तों अब दूसरी ट्रिक है ना वो हमारी काम करी है बालकनी हाउस में, ठीक है। अब क्या होता है यार बंदे यहाँ पर बैठ के बहुत कभी कभी बंदे यहाँ पर बैठ के कैंपिंग कर रहे होते हैं, तो दोस्तों आपको सेम ट्रिक यहीं पर करनी है, ठीक है। यहाँ पर भाई ज़रूरी नहीं ये ट्रिक आप अकेले हो तो ही करो, ठीक है। आगे आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी जगह पर आप ये ट्रिक, अगर आपके साथ एक और आपका टीममेट है तो आप उसके साथ भी ये भाई ट्रिक कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो आपकी आगे दूसरी ट्रिक। अब दोस्तों तीसरी ट्रिक भी हमारी यहाँ पर ही वर्क कर रही है। अब क्या होता है ना यार इसी हाउस के पीछे वाली साइड पे, ठीक है, इस वाली साइड पे भाई बंदे अंदर बैठ के कैंपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, इस वाली साइड पे तो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों दूसरी साइड पे भी भाई बंदे जो है वो कैंपिंग करके बैठे होते हैं, तो उनकी कैंपिंग को भाई टेक डाउन करने के लिए आपको बस यही ट्रिक को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर कभी कभार बंदे कैंपिंग करके बैठे होते हैं, आपको सिंपली गेट खोलना है, खोलने के बाद आपको यहाँ पर आइस वॉल लगानी है। जैसे ही आप आइस वॉल लगाओगे वही ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी, तो आप इसके अंदर सीधा आ जाओगे, तो भाई यहाँ से आप अपने एनिमी को सरप्राइज अटैक भी दे सकते हो। दोस्तों ट्रिक कैसे लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर नए व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही ऑसम वीडियोस मैं अपने चैनल पर हर 2-3 दिन बार अपलोड करता रहता हूँ। अब दोस्तों ट्रिक नंबर 4 हमारी इस वाले हाउस में काम कर रही है। दोस्तों मैं नहीं जानता इस हाउस को क्या बोलते हैं, कमेंट में आप बता देना इस हाउस को क्या बोलते हैं। दोस्तों सेम वही ट्रिक आपको यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। आपको बस यहाँ पर करना क्या है, दरवाजे के पास आना है, ठीक है, वही आइस वॉल आपको यहाँ पर भी लगानी है। आइस वॉल जैसे ही आप बटन छोड़ोगे लेफ्ट साइड जॉयस्टिक को ले जाओगे, दोस्तों यहाँ पर आप सीधा आप ऊपर की तरफ एंटर हो जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी अगर आपके साथ एक टीममेट है तो इस ट्रिक के जब आप ये ट्रिक अप्लाई करोगे अपने टीममेट को भी भाई साथ रखना, एनिमी का तो भाई बूम बम होने वाला है। तो भाई इस ट्रिक के लिए एक लाइक तो भाई बनता है। तो चलिए बताता हूँ नेक्स्ट ट्रिक। दोस्तों आखिरी ट्रिक हमारी काम कर रही है अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट में तो यार कई बंदों का ये लफड़ा होता है कि यार वो दूसरे फ्लोर पर बैठ के कैंपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो भाई उनको मारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों सेम ट्रिक यहीं पर आप अप्लाई करना, बस यहाँ पर आप आइस वॉल लगाना, वही जॉयस्टिक को लेफ्ट की ओर ले जाना, ठीक है। ले जाने के बाद आप देखो डायरेक्ट आप सीधा इसके फर्स्ट फ्लोर पर आ जाओगे। तो दोस्तों ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना।